करेंगे महाराष्ट्र के सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर शिवसेना ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा और सीधा हमला बोला है। सामना में यूपीए को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। सामना में लिखा गया है कि कोई नहीं जानता कि आज यूपीए का आखिर मतलब क्या है। यूपीए पर कांग्रेस का अधिकार है और अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो विपक्ष कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो शिवसेना के सामना में यूपीए को लेकर के ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सामना में यूपीए को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। सामना में लिखा गया है कि कोई नहीं जानता आज की तारीख में कि आखिर यूपीए का मतलब है क्या। यूपीए पर कांग्रेस का अधिकार है और अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो विपक्ष कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक तरीके से शिवसेना ने यह सीधा हमला बोला है और साफ तौर पर लिख दिया है कि यूपीए को कोई भी नहीं जानता, उसका कोई भी अस्तित्व आज की तारीख में नहीं है। यूपीए पर कांग्रेस का अधिकार है और अगर इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी का और यूपीए का यही हश्र होता रहेगा। अरुणिल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुणिल, जरा बताएं डिटेल में कि सामना में आखिर लिखा क्या गया। सामना में बेसिकली ये लिखा गया है कि सभी ओपोजिशन पार्टीज को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि हम एक बड़ी शक्ति के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी है। और अगर हम सब अपोजिशन पार्टीज की एकजुटता की बात करें तो यूपीए जो घटक है वो अभी उसका एग्जिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता, वो कहाँ है वो उसका नहीं पता, बट उसकी जो सोल ओनरशिप है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। अगर वो नहीं चेंज की गई अभी टाइम पे तो हमारे लिए बेसिकली बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा, ये शिवसेना ने सामना में लिखा है। ठीक है अरुणिल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, शिवसेना ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर के ये सवाल उठाए, यूपीए पर कांग्रेस का अधिकार है और अगर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जल्द से जल्द कोई नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी आगे नहीं बढ़ी तो कभी भी विपक्ष सफल नहीं हो पाएगा। सामना में संघ पर भी निशाना साधा गया है। संघ के संगठन मुस्लिम मंच के इफ्तार पार्टी को लेकर के लेख के जरिए हमला बोला गया है। लेख में आरएसएस को राष्ट्रीय इफ्तार संघ कहा गया है। तो शिवसेना के सामना में पहले यूपीए के लिए और सामना में अब संघ पर भी निशाना साधा गया है। संघ के संगठन मुस्लिम मंच के इफ्तार पार्टी को लेकर के लेख के जरिए यह हमला बोला गया है और साथ ही लेख में आरएसएस को राष्ट्रीय इफ्तार संघ का कहा गया है। अरुणिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुणिल, आरएसएस और संघ को लेकर के क्या लिखा गया है सामना में? ये पहले फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल है जिसमें शिवसेना ने ये बताने की कोशिश की कि कैसे राष्ट्रीय स्वयं संघ के ही एक घटक है जो मुस्लिम मंच है वो इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज करने वाली है रमजान के टाइम पे, इसके लिए आरएसएस को शिवसेना ने राष्ट्रीय इफ्तार मंच करके बोला है। बेसिकली ये एक प्लॉय माना जा सकता है शिवसेना की तरफ से ये बताते हुए कि शिवसेना पे बार बार शिवसेना के हिंदुत्व पे जो अटैक हो रहा है ये बताने की कोशिश शिवसेना कर रही है कि आरएसएस भी मुस्लिम अपीजमेंट की ओर जा रहा है, इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं। ताकि जो मेन एडिटोरियल की बात हो तो कांग्रेस के नेता उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज कांग्रेस के एग्जिस्टेंस पे ही शिवसेना ने सवाल उठाया है तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए।